गंगा स्नान का हमारे जो शास्त्र है, शास्त्र में सबसे बड़ा महत्व है। उसमें भी कार्तिक पूर्णिमा की जो गंगा की स्नान होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्नान होती है। हमारे जो मास, जो 12 जो मास बताया गया है हिंदू शास्त्र में, उसमें सबसे पुण्य मास कार्तिक को ही माना गया है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की स्नान सबसे पुण्य स्नान मानी गई है। नेपाल से आ रहा है कार्तिक पूर्णिमा मनाने के लिए। हम सब गंगा माँ का स्थान माने से बहुत खुश रहा है। सब पर परिवार मिल कर आ रहा है। हम सब बहुत खुश लग रहा है। तीन भी प्रत्येक साल आ रहा है हम नेपाल में कार्तिक पूर्णिमा के लिए स्नान करने के लिए। बाल बच्चा हमर सब खुश रहता है नेपाल में। नेपाल से आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के लिए भीड़ रहेगी, श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ आते हैं। उसके लिए संपूर्ण जो व्यवस्था है बेगूसराय पुलिस ने की है। यहाँ पे एक अलग से कंट्रोल बनाया गया है। गश्ती गाड़ियों की संख्या में यहाँ पे बढ़ाई है। सभी जितने भी इम्पोर्टेंट घाट हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट रास्ते हैं और जिस क्षेत्र में मेला क्षेत्र चल रहा है, वहाँ पे पुलिस फोर्स, मैजिस्ट्रेट सभी कमरों में तैनाती की है। CCTV कैमरा भी हम लोग पुल पर लगवाए हैं, वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक को लेकर के हम लोग ने एक अलग से प्लान बनाया है। उसकी रिहर्सल भी हम लोग कल करने जा रहे हैं। और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं, कल और परसों इवन आज रात से ही हमने सबकी तैनाती यहाँ पे, विशेष तौर पे हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आता है। बल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। उन्हें करीब 700-800 के करीब बल को तैनात किया है और हम लोग पास पर्याप्त मात्रा में है। सब जगह हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। अभी तक जो ये मेला चल रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आने वाले 2 दिन में लोड ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने रेलवे से भी बात कर ली है। यहाँ पे जो टेम्पो स्टैंड है उससे भी बात कर ली है, लोकल दुकानदारों से भी बात कर ली है और इसको हम लोग बढ़िया।